My name is Kaushik and today we will be talking about The Duchess of Malfi by John Webster. In this session, we will be covering about author, summary, important characters and themes. First of all, let's talk about John Webster. So John Webster ke mein baat kar John Webster Joe uh, Life is Fan O 1580 1632. Tha. An English dramatist best known for his tragedies, The White Devil. एंड द डज ऑफ माल्फी उनके जो बेस्ट नोन ट्रेजिडीज हैं वो हैं आपकी वाइट डेवल और द डेज ऑफ माल्फी डचेज ऑफ माल्फी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं विच इज आर विच आर ऑफन रिकॉर्डेड एज मास्टर पीस ऑफ अर्ली सेवनटीन सेंचुरी इंग्लिश स्टेज ये सेवनटीन सेंचुरी इंग्लिश स्टेज के मास्टर पीस भी कहे जाते हैं ही वॉज बॉर्न बॉर्न इन फिफ्टीन सेवनटी एट इन लंडन इंग्लैंड एंड हिज स्पाउस सारा पैनियल

एंड इट वॉज फर्स्ट स्टेज बिफोर द एंड ऑफ सिक्सटीन फोर्टीन और ये सिक्सटीन फोर्टीन uh, में के सिक्सटीन uh, फोटीन के एंड से पहले इसको एक बार परफॉर्म किया गया था जैकोबियन रिवेंज ट्रेंज ट्रेजिडी और इसकी जो मेन थीम है वो रिवेंज ट्रेजिडी है रिवेंज इसकी थीम है और ये जैकोबियन पीरियड की ट्रेजडी है जब हम जैकोबियन की बात करते हैं तो जैकब मीन्स होता है जेम्स फर्स्ट द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई द प्रेस्टिजियस किंग्स मैन आई ट्रुप एट ब्लैक फ्रायर्स फ्रायर्स थिएटर तो ये सबसे पहले ब्लैक ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था ये किंग्स मैन ने किया था दो द रिंडर ऑफ इट्स इनिशियल रन माइट है ग्लोबल थिएटर और बाद में इसको ग्लोबल थिएटर में भी रन uh, किया गया था द डेस ऑफ मार्फी टेल्स द स्टोरी ऑफ डचेस हु इज नेवर नेम्ड एंड अटेम्प्टू लिव

डो यंग वुमेन है डचेस है वो दोबारा से मै मैरिज कर देती है एक मैनेजर से अपने घर के और उससे उसके तीन बच्चे होते हैं वेन हर ब्रदर्स स्पाई बोसोला डिस्कवर्स एंड रिपोर्ट द सीक्रेट देंड फ्रेंड फोर्डिनेट एंड मोर कोलीट अबाउट डिस्ट्रॉय हर एंड हर फैमिली और फिर उसके जो दोनों ब्रदर हैं जब उनको ये बात पता चलती है तो उसको और उसकी फैमिली को आ, फिनिश करने के लिए या हम कहें डिस्ट्रॉय करने के लिए आ, आते हैं द प्ले इज़ बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ जियो वाना ऑफ एरेगन ये एक ट्रू स्टोरी जियो वाना ऑफ एरेगन पर डिपेंड करती है या उससे बेस्ड है डचेज ऑफ मालफी हु वॉज विडोड एट ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड एंड देन सीक्रेटली विद एंटोनियो बोलगोना तो जो जियो जियो ऑफ एरेगन थी उसने एंथो बोलगना से सीक्रेटली उसने मैरिज कर ली थी इन सर्विस विटनेस्ड ओनली बाय हर वेटिंग वुमेन अ सिमिलर सिचुएशन इज दैट विच वेबिस्टर ड्रोमाटाइज और यही सिचुएशन जो वेबिस्टर हैं वही ड्रोमेटाइज किया है इन द डिस ऑफ मालफी वेबिस्टर यूजेज मैनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ रिवेंच प्ले आ फॉर्म दैट वॉज स्टार्टिंग टू फॉलो आउट ऑफ फैशन एट द टाइम ऑफ द प्लेस फर्स्ट स्टेजिंग बट फॉर डिफरेंट एंड usually मोर कॉम्प्लेक्स purpose जो वेबस्टर है उन्होंने इसमें रिवेंस ट्रेजिडी के कई सारी टेक्निक्स यूज की हैं फर्स्ट परफॉर्म्ड प्राइवेटली एट ब्लैक फ्रायर्स जैसा हमने पहले देखा था ये फाइव एक्ट्स में लिखी हुई ट्रेजिडी है अब कैरेक्टर्स के बारे में इसमें बात करते हैं जो पहला जो कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट वह है बॉसोला बॉसोला इज अ टूल थ्रू विच दिनल एंड फोर्डीन जो दो भाई होते हैं परपोट्रेट मोस्ट ऑफ द ऑफ माल्फी वो बसोला का ही एक टूल की तरह यूज करते हैं अपनी जो भी इविल प्रैक्टिस होती हैं उनके लिए डचेज दूसरी है द डचेज जिसके बारे में हमने अभी बात की डचेज ऑफ माल्फी सिस्टर ऑफ कॉर्डिनल एंड ट्विन सिस्टर ऑफ फोर्डीन और यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो डचेज है वो फोर्डीन की ट्विन सिस्टर हैजट बीन विडोड इन हर यूथ जब वो जवान थी तभी वो विधवा हो जाती है द ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया एंड डचेस ट्विन ब्रदर फर्डिनेंट बोस्ट एंड इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ वाइसेस ही टेरिबल टेम्पर ही इज ही इज लस्टफुल एंड हैज एन अनहेल्दी ऑब्सेशन विद हर, विद हिज सिस्टर कॉर्डिनल जो दूसरा भाई है वो है कॉर्डिनल

सेम इविल हैं, बहुत बुरे हैं एंटोनियो एंटोनियो बोलोगना इज स्टीवर्ड ऑफ डचिस हाउस होल्ड जो एंटोनियो है वो एंटोनियो बोलोगना है वो स्टीवर्ड है डच के हाउस होल्ड पे जो डचेस है डेलियो डेलियो इज एंटोनियोज फ्रेंड जो एंटोनियो है उसका फ्रेंड है डेलियो एंड द ओनली वन डिसाइड्स कॉरियोलाज इनिशियली ट्रस्टेड विद द सीक्रेट ऑफ़ द डचेस मैरिज टू एंटोनियो जो डच की मैरिज हो जाती है डचेस की मैरिज हो जाती है एंटोनियो से वो इसको जानता है कैरियोला कैरियोला इज द डचेस मेड एंड कॉन्फिडेंट जो उसकी मेड है वो है डचेस की जो मेड है वो है कैरियोला और उसकी कॉन्फिडेंट भी है जूलिया इज द कॉर्डिनल मिस्ट्रेस जो कॉर्डिनल था उसकी मिस्ट्रेस है और आ, कैस्ट्रियोज वाइफ और ये कैस्टूशियोज की वाइफ है दिल्ड्रेन दच एंडियोनियोज थ्री चिल्ड्रेन नेवर स्पीक इन द्ले बट आर ऑन स्टेज इन मल्टीपल सीन्स वो स्टेज पर कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन वो स्टेज पर प्रेजेंस रहते हैं काउंट मैलेस्टेट काउंट मैलेस्ट्रेट कौन है मैलेस्टेट इज मैलेट

वो ब्रेव है कैस्ट्रुशियो कैस्ट्रुशियो इज अ कोटियर अंडर ये फर्डिनेंट जो डचेस का ब्रदर है उसके उसके कोर्ट में रहता है उसके दरबार में है एंड जूलियाज ओल्डर हस्बैंड ही रिप्रेजेंट्स इट फूल। अब ये क्या है आपका एक फूल है सिल्वियो सिल्वियो इज अ कोटियर अंडर फर्डिनेंड रोडेरिको रोडेरिगो इज कोटिया अंडर फर्डिनेंड एंड ग्रीशियनो इज कोडियो ये जो आपके सिल्वियो हैं और रोडेरगो हैं एंड ग्रीसोलन है ये तीनों क्या है फोर्डिन की कोर्ट में हैं ओल्ड लेडी दी ओल्ड लेडी मिडवाइफ इज रिडिकूल्ड बाई बोसोला बोसोला उसको रिडिकूल करता है एट लेंथ फॉर वेयरिंग मेकअप टू ट्राई टू कवर वट ही परसीव एज अडियसनेस और जो ओल्ड लेडी है uh, उसको इसलिए उसका मजाक बनाया जाता है क्योंकि वो हिडियस लगती है डॉक्टर द डॉक्टर डायग्नोसिस एंड ट्राइज टू ट्रीट फॉर्डिन लाइकेंथ्रोपिया उसको जो एक इलनेस है वो है लाइकेंथ्रोपिया ये आपको याद रखना है और ये किसको है फोर्डीन को लाइक थ्रोपिया है हिज प्राइमरी मैथड ऑफ ट्रीटमेंट इज टू मेक फोर्डिन फ्राइटन ऑफ हिम जो उसका प्राइमरी मैसड था उससे फ्रडिनेंट बिल्कुल डर जाता है जब वो उसको ट्रीट करने के लिए आता है

छोटे कैरेक्टर हैं मैड लॉयर द मैड लॉयर इज सेंट टू ड्यूरिंग हर इम्प्रिजनमेंट टू ट्राई टू ड्राइव हर क्रेजी सो ये आप देख सकते हैं ना उस समरी के बारे में बात करते हैं कि इसमें पूरी जो स्टोरी है इन डेप्थ समरी आप लोगों को डिस्कस करेंगे सो समरी डचेस ऑफ मालफी टेक्स प्लेस इन इटली ये इटली में ना होती है ये जो स्टोरी है ये इटली में है सेट आपको ये याद रखनी है डचेस ऑफ मालफी जो है

जो एंटोनियो है वो कहाँ से आया है फ्रांस से आया है बिफोर लिविंग द डिस फर्डिनेट इंगेजेस बोसोला प्रीवियसली यूज बाई कॉर्डिनल एज अ हिट मैन तो बोसोला को एक हिट मैन की तरह यूज किया जाता है इज ऑस्टेंसिबली मैनेज द डज हॉर्सेज बट इन रियालिटी टू स्पाई ऑन हर फॉर द ब्रदर्स सो दे कैन बी श्योर शी रिमेन्स चेस्ट एंड डज नॉट रिमेरी और एक्चुअली जो बोसोला होता है उसे डचेस डचेस uh, जो थी उस पर ध्यान रखने के लिए रखा जाता है जिससे कि वो आ, चेस्ट रहे और रिमैरी ना करे दोबारा से मैरिज ना करे बोसोला इज रिल्ड बट इवेंचुअली एग्रीज आ, जो बोसोला है वो पहले इस बात के लिए मना करता है लेकिन बाद में इस बात के लिए मान जाता है कि वो स्पाई करेगा बिफोर दे रिटर्न टू रोम फोर्डिनेट एंड दॉर्डीन लेक्चर द टच इज़ अबाउट द इम्प्रोप्रायटी ऑफ रिमैरिज जो आ, रोम जाने से पहले फोडीनेंट और कॉर्डिनल दोनों के दोनों डचेस को लेक्चर देते हैं कि जो रिमैरिज है वो गलत क्यों है शी इंसिस्ट दैट शी हैज़ नो प्लान्स फॉर रिमैरिज एंड शो सम इरिटेशन एट देयर अटैम्प्ट टू कंट्रोल हर। और यहाँ पर वो कहती है कि उसका कोई प्लान नहीं है रिमैरी होने का दोबारा से शादी करने का और वो इस बात से इरिटेट होती है कि वो लोग उसे कंट्रोल करना चाहते हैं हाव एज सुन एज देव शी सेट्स इन मोशन प्लान टू परपोज एंतोनियो विद दी हेल्प ऑफ हर मेड कैरियोला अब वो यहाँ पर जैसे ही उसके जो ब्रदर थे उन दोनों को वो दोनों वहाँ से जाते हैं तो एक प्लान बनाती है एंटोनियो से शादी करने के लिए और इसमें उसकी मदद करती है कैरियोला उसकी वो मदद लेती है एंतोनियो एंड द डिस मैरी दोनों शादी कर लेते हैं एंड डचेज रियस्यंटीनो दैट दे विल फाइंड अ वे टू अपीज हर ब्रदर्स और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो जो दोनों ब्रदर हैं उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे एक्ट टू इज सेट अबाउट नाइन मंथ्स लेटर और जो एक्ट टू है वो नौ महीने बाद की स्टोरी है डच इज इज प्रेगनेंट एंड पोसोला सस्पेक्टिंग हंडीशन हैच इज अ प्लान टू प्रूव इट टू हिमसेल्फ बाई गिविंग हर हड्स टू इंड्यूस लेबर अब वो उसको एप्रिकॉर्ड देता है जानने के लिए बोसोला बोसोला जो है जो स्पाई कर रहा था डचेस पे वो उसको एप्रिकॉर्ड देता है और शी एक्सेप्ट देम एक्ट इमीडिएटली जैसी वो उन्हें एक्सेप्ट करती है वो बीमार हो जाती है रशिंग ऑफ टू तो हर बेडरूम और अपनी बेडरूम की तरफ चली जाती है एंटोनियो एंड डेलियो डिस्कस हाउ टू तो कीप हा लेबर सीक्रेट और एंटोनियो और डेलिया जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इस बात को सीक्रेट रखा जाएगा बोसोला नाउ अज्यूम्स हिज बिलीफ इज करेक्ट बोसोला जो है उसको ये बात पता चल जाती है कि ये बिल्कुल सही बात है बट फाइंड फर्दर डेफिनेटिव प्रूफ थ्रू अ हॉरोस्कोप एंटोनियो रोड फॉर द इन्फेंट और जो एंटोनियो ने जो हॉरोस्कोप लिखा रहता है बच्चे के लिए उससे वो बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है विद द इंफॉर्मेशन कन्फर्म बोसोला ही राइट्स अ लेटर टू डचेस ब्रदर्स टू टेल देम द न्यूज जो बोसोला है वो एक लेटर के थ्रू डचेस के ब्रदर को ये बात बता देता है कि शी इज प्रेगनेंट ब्रदर्स आर बोथ इंसेंस्ड बट द दिनल रिमेन्स कूल काम वेयर वेयर इज फोडिनन ग्रोज इरेटिकली एंग्री कॉर्डिनल बिल्कुल काम रहता है लेकिन जो फोर्डिन है वो काफ़ी एंग्री हो, हो जाता है बहुत गुस्सा हो जाता है नीदर ऑफ देम रियलाइज दैट शी इज मैरिड एंड अज्यूम द बेबी इज अ बास्टर्ड अब वो दोनों के दोनों सोचते हैं कि उसने मैरिज नहीं की है और जो बेबी है वो एक बास्टर्ड है सेज ही वॉन्ट टेक एनी एक्शन ही नोज हु द बेबीज फादर इज फर्डिन कहता है कि मैं तब तक कोई एक्शन नहीं लूंगा जब तक तो कि मुझे ये बात पता नहीं चल जाती कि जो बेबी है उसका फादर कौन है एक्ट थ्री बिगन अब तीसरा जो एक्ट है वो शुरू होता है अबाउट टू ईयर्स लेटर दो साल के बाद विद डेलियोज रिटर्न टू डचेस प्लेस अब डेलियो कहाँ जाता है वहाँ पर डचेस के प्लेस पैलेस में आ जाता है एंटोनियो एंटोनियो एंड डचेस हैव हैड टू मोर चिल्ड्रन इन द मीन टाइम अब जो एंटोनियो और डचेस है उनके दो बच्चे फिर से वहाँ पर होते हैं इन द इन दैट टाइम फर्डिनेंट हैज़ रिसेंटली अराइव्ड जो फर्डिनेंट है वो अभी अभी वहाँ आया है बोथ एंटोनियो एंड डेलियो सस्पेक्ट दैट ही नोज अबाउट द डचेस चिल्ड्रन और जो एंटोनियो एंड डेलियो है वो सस्पेक्ट करते हैं कि वो दोनों के दोनों इन बच्चों के बारे में जानते हैं फर्डिनेंड सरप्राइजेस द डचेस इन द बेडरूम एंड व्हेन शी टेल्स हिम दैट शी इज मैरिड ही टेल्स हर शी शुड नेवर रिवील टू हिम द नेम ऑफ हर लवर लेस्ट टेरिबल वायलेंस देन बी अनलिस्ट ऑल ऑन ऑल ऑफ देम तो जो फर्डिनेंड है वो बहुत गुस्से से उसके बारे में पूछता है और उसे कहता है कि अपने लवर के बारे में मुझे ना बताए तो आ, तो अच्छा होगा ही फर्द बैनिशेस है फॉर ए वर्क फ्रॉम हिज साइड और उसके बाद वो उससे कहता है वा कि उसकी जो नजरे हैं उसके सामने से वो दूर हो जाए दी डज हु विश विशेज टू प्रोटेक्ट एंटोनियो बाय रिमूविंग हिम फ्रॉम मालफी जो डचेज है वो एंटोनियो को वहाँ से मालफी से भगा देती है फॉल्सली क्लेम्स ही हैज़ स्टोलन फ्रॉम हर एंड हेंस हैज हिम बैनिस्ड टू एनकोना जो एनकोना है वहाँ वो चला गया है वंस ही हैज़ लेफ्ट बोसोला डिफेंड्स हिज वर्च्यू टू द डचेस सो इम्फेटिकली दैट शी एडमिट्स द सीक्रेट ऑफ देयर मैरिज और जो बोसोला है वो उसके उसको डिफेंड करता है और डचेस उसके सामने एडमिट कर देती है कि उसने मैरिज कर दी है बोसोला पेटेंट्स टू सपोर्ट है जो बोसोला है वो एक्चुअल में स्पाई कर रहा होता है और वो यहाँ पर पेटेंट करता है कि वह सपोर्ट कर रहा है डचेस को एंड शी सेंड्स हिम आफ्टर एंटोनियो विद मनी एंड न्यूज दैट शी विल सून फॉलो हिम वो एंटोनियो आ, के पास बोसोला को भेजती है और कहती है कुछ पैसे के साथ और उनसे कहती है कि हम उन्हें फॉलो करेंगे जो डचेस है वो भी एंटोनियो को फॉलो करेगी

टेल्स एंटोनियो टू सेपरेट फ्रॉम ह विध देअर ओल्डस्ट सन अब डचेस को ये डर रहता है कि यहाँ पर एम्बुश होगा और उन्हें मार दिया जाएगा एंटोनियो से कहती है कि जो ओल्डेस्ट सन है उससे उसको लेकर वो सेपरेटली जाएगी इमिडिएटली आफ्टर दे पार्ट बोसोला एंड अ ग्रुप ऑफ सोल्जर टेक डचेस एंड हार टू रिमेनिंग चिल्ड्रन कैप्टिव एंड ब्रिंग दैम बैक टू हर पैलेस अब उसी टाइम इमीडिएटली जो बोसोला है वो वहां पर आता है आ, कुछ सोल्जर्स के साथ में और डचेस और उसके दो बच्चों को लेकर वापस पैलेस आ जाते हैं इन एक्ट फोर फोर्थ एक्ट में बोसोला टेल्स डचेस इज बीइंग बियरिंग हर इम्प्रिजनमेंट नोबली विच हिम अब जो बोसोला जो है वो फोर्डिन को बताता है कि जो डचेस है वो बिल्कुल इम्प्रिजनमेंट में आराम से है जिस बात से

दो बोसोला प्लीज विथ फोर्डिन ग्रुप ऑफ मैडमैन टू टॉमेंट हर बसोला फॉर्डिनंट से रिक्वेस्ट करता है कि जो टॉर्चर है उसे बंद कर दिया जाए ड का लेकिन वो नहीं सुनता और वहां पर कुछ मैडमैन uh, जो पागल हैं उनको भेजता है उसे टॉमेंट करने के लिए उसे परेशान करने के लिए बोसोला रिटर्न डिस्काइ एस एंड प्रिपेयर्स फॉर हर प्रिपेयर डेथ। एग्जीक्यूशनर्स फॉलो विद अ कॉर्ड ऑफ स्टेंगल हर जो एग्जीक्यूशनर हैं वो एक कॉर्ड के साथ वहाँ पर जाते हैं बट द डचेज़ रिमेन स्ट्रीट फास्टली काम एंड करेजियस एट पीस विद द आइडिया ऑफ रिजॉइनिंग फैमिली, हु विल स्टिल बिलीव आर डेड तो जो वो जानती है कि सारे जितने उसकी उसके फैमिली मेम्बर हैं वो मर चुके हैं वो ये सोचकर खुश होती है कि वो अपनी फैमिली को रिजॉइन करेगी मरने के बाद दे स्ट्रेंगल ह वो उसको गला दबा कर उसको मार देते हैं बोसोला नेक्स्ट ऑर्डर्स हर चिल्ड्रन एंड कैरियोला किल्ड और उसके चिल्ड्रन जो हैं उनको कैरियोला मार देता है कैरियोला प्लेट्स फॉर हर लाइफ टू नो अवेल कैरियोला प्लीट्स फॉर ह लाइफ टू नो अवेल जो कैरियोला है उसकी वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है लेकिन नहीं उसे कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलता वैन फर्डिनन कन्फ्रेंट्स दी डच बॉडी जो फर्डीन है वो डचेज़ की बॉडी को देखता है तो सडनली उसे रिमोर्स फील होता है पश्चाताप होता है और वह बोसला पर बहुत गुस्सा होता है फॉर फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स कि उसने फर्डीन के जो ऑर्डर हैं वो क्यों फॉलो किए ही नॉट ओनली बिट्रेज बोसोला बट बाय रिफ्यूजिंग द लेटर प्रोमिस्ड रिवार्ड क्योंकि बोसोला को उसने एक रिवार्ड के लिए भी उसे प्रॉमिस किया होता है लेकिन उसके लिए रिफ्यूज़ कर देता है मना कर देता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है बट ऑल्सो शो साइन ऑफ इंसेंटी बिफोर ही एग्जिट्स जब वो जाने से पहले काफ़ी इंसनिटी वहाँ पर दिखाता है पागलपन उसे दिखाकर जाता है द डचेस शोज़ अ फाइनल साइन ऑफ लाइफ दो डचेज है उसे एक फाइनल uh, जो साइन ऑफ लाइफ है वो दिखाती है एंड बिफोर शी ट्रूली डाइज बोसोलाट एंटोनियो इज स्टिल उसे बता देता है कि जो एंटोनियो है वो अभी भी जिंदा है बोसोला शोज जेनुअन सैडनेस वैन शी डाइज बोसोला जो है वो बहुत दुखी होता है जब वो मरती है एक्चुअल में जेनुअन तरह से वो दुखी होता है उसे दुख होता है इन एक्ट फाइव जो फिफ्थ एक्ट है एंटोनियो इग्नोरेंट ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेंस डेथ प्लान्स टू बेग द कार्डिनल दैट नाइट फॉर रिकन्सिलेशन और एंटोनियो जो है वो बिल्कुल उसे पता नहीं होता कि उसकी वाइफ और बच्चे मर चुके हैं वो कार्डिनल के पास जाकर रिकन्सलेशन uh, के लिए एक प्लान uh, करता है कि वो जाकर कार्डिनल से इस बात के लिए आज्ञा मांगेगा फर्डिनेंड हैज नाउ कंप्लीटली लॉस्ट हिज माइंड और जो फर्डिनेंड है उसने अपना बिल्कुल अपना आपा खो दिया है एंड इज अफ्लिक्टेड विद लैकेथरोपिया लैकेथरोपिया उसको एक बीमारी होती है और द बिलीव दैट ही इज अ वुल्फ और वो ऐसा सोचता है कि वो एक वुल्फ है बोसोला अराइव्स एंड कॉर्डिनल प्रिटेंड्स दैट ही हैज़ नो आइडिया अबाउट द डेथ बोसोला वहाँ पहुँचता है और जो कॉर्डिनल है वो ऐसा प्रटेंड करता है कि उसे डचेस की लाइफ से कोई इस बात की कोई जानकारी नहीं है ही ऑफर्स बोसोला ग्रेट रिवॉर्ड फॉर द मर्डर मर्डर ऑफ एंटोनियो कि जो एंटोनियो है उसके मर्डर के लिए एक बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड बोसोला के लिए वो ऑफर करता है एन ऑफर बोसोला एक्सेप्ट इवन दो ही इज़ प्लॉटिंग रिवेंज बोसोला क्या करता है कि एक उसको एक्सेप्ट कर देता है उस ऑफर को लेकिन वो भी एक रिवेंज लेना चाहता है जूलिया द कॉर्डिनल्स मिस्ट्रेस जो जूलिया है वो कॉर्डिनल की मिस्ट्रेस है अप्रोचेस बोसोला वो बोसोला के पास आती है डिक्लेयरिंग हर लव फॉर हिम एंड बोसोला यूजेस हर टू गेट कॉर्डिनल टू एडमिट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द ड मर्डर और जो बोसोला है वो जूलिया को यूज करता है अपने प्लान में और ये कन्फेस करवा करवाना चाहता है कॉर्डिनल को एडमिट करवाना चाहता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट था डचेस के मर्डर में आफ्टर द कॉर्डिनल किल्स जूलिया अब कॉर्डिनल जो है वो जूलिया को मार देता है बोसोला रिवील्स ही हैज़ ओवरहर्ड दिस सीक्रेट एंड डिमांड्स इज रिवार्ड किलिंग द डचेस अब वो बोसोला दोबारा से उसे कहता है कॉर्डिनल को कि वह रिवॉर्ड चाहता है किलिंग दी

बोसोला तो है वो पटें प्रोटेक्ट हिम और हेल्प हिम टू गेट द कॉर्डिनल एंड तो अब बोसोला ये पिटेंड करता है और जाकर वो अब ऑडियंस वो को बताता है कि वह एंटोनियो की मदद करेगा वेंजिन के लिए और बदला लेने के लिए दी कॉर्डिनल टेल्स हेज कॉटियर्स टू स्टे अवे नो मैटर वट दे हियर फ्रॉम हिम और फर्डीनेट जो कॉर्डिनल है वो अपने कॉटियर्स से कहता है कि तुम दूर रहना वो फोडिन से या उससे कुछ भी सुने इससे तुम लोग दूर रहना ऑस्टेंसिबली बिकॉज फर्डिनंस मैडनेस गेट्स वर्स वन पीपल आर अराउंड जो फर्डिनंट है वो बिल्कुल पागल हो जाता है जब लोग उसके आसपास रहते हैं बट एक्चुअली बिकॉज ही वॉन्ट्स प्राइवेसी विद विच ही डिस्पोज द जूलिया बॉडी और वो एक्चुअल में जूलिया की बॉडी को डिस्पोज करना चाहता है बोसोला वेटिंग आउटसाइड द कॉर्डिनल्स रूम जो कॉर्डिनल है उसके रूम के बाहर बोसोला वेट करता है एक्सीडेंटली किल्स एंटोनियो और वो एक्सीडेंटली एंटोनियो को मार देता है हु हैज कम टू सी कॉर्डिनल जो कि कॉर्डिनल को देखने के लिए आ, मिलने के लिए वहां पर आया होता है और वो गलती से एंटोनियो को मार देता है डिस्ट्रॉट ही गोज टू कॉर्डिनल और जो कॉर्डिनल होता है उसके रूम पे वो जाता है बोसोला और उसे भी अटैक करता है बिकॉज ऑफ द कॉर्डिनल्स वार्निंग हिज कोटियर्स एट फर्स्ट इग्नोर हिज क्राइज फॉर हेल्प और जो कॉर्डिनल की जो वार्निंग रहती है कि यहाँ पर कोई आएगा नहीं उसके कोटियर्स जितने होते हैं वो इसकी हेल्प के लिए मना करते हैं फोर्डिनेंट जॉइंट द फ्री एंड स्टेप्स बोथ दी कॉर्डिनल एंड बोसोला बोसोला किल्स फोर्डिनेंट। और यहाँ पर होता क्या है कि जब फोर्डिनेंट आता है तो वो कार्डिनल और बोसोला को दोनों को स्टैप कर देता है और जो बोसोला है वो फोडीनेंट को मार देता है द कोटियर्स फाइनली एंटर इन द टाइम टू सी कॉर्डिनल एंड बोसोला डाई दोनों के दोनों मर जाते हैं बट नॉट बिफोर द लेटर हैज़ कन्फेस्ट दर्टिकुलर ऑफ द सिचुएशन जो बोसोला है वो सारी सिचुएशन को बताता है डेलीओ एंटर्स विद एंटोनियो एंड द डिस ओल्डर सन हु इज द सोल सर्वाइवर ऑफ द फैमिली और जो डेलियो है वो एंटोनियो और डचिस के जो ओल्डेस्ट सन है उस उसको लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि अभी सोल सर्वाइवर होता है डेलियो एंड द कोटियर्स प्रोमिस टू तो रेज़ द बॉय एज लीगेसी टू तो हिज पेरेंट्स विच द प्ले अ फाइनल ग्लीमर ऑफ होप जो फाइनल जो होप है वो ये होती है कि जो बॉय था एंटोनियो का और डचेस का वो अब उसे कोटियर और डेलियो दोनों पालेंगे अब बात करते हैं थीम्स की यहाँ पर सबसे पहले जो थीम है वो है हेल ऑन अर्थ डचेस ऑफ मालवी इज अ प्ले रिप्लीट विद डार्कनेस बोथ लिटरल एंड फिगरेटिव देयर आर गुड फिगर्स एंड दीज कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद लाइट और इसमें कुछ अच्छे जो कैरेक्टर हैं उन्हें लाइट से एसोशिएट किया हुआ है ऑन द अदर हैंड द ब्रदर्स हु एग्जिबिट अन इविल आर एसोशिएटेड विद द मोटिव ऑफ डार्कनेस फायर एंड द एंड सन तो जो ब्रदर्स हैं उनका जो एसोसिएशन है वो है आपका डार्कनेस फायर इविल एंड सिन से तो ये जो है ये आपका हेल को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी जो थीम है वो है डिस्गाइज मास्किंग रियलिटी हाइडिंग वंस ट्रू इंटेंशन प्रेजेंटिंग अ फॉल्स फ्रंट इज अ मेजर थीम ऑफ द डचेस ऑफ मालफी तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो रिवेंच ट्रेजिडी होती है ज्यादातर उसमें डिस्गाइज थीम होती है द मोस्ट ऑब्वियस सिंबल ऑफ दिस इज बोसोला जो बोसोला है वो डिस्गाइज का सिंबल है यहाँ पर क्योंकि वो स्पाई का काम भी करता है इसलिए वो डिस्गाइज होना उसका हम कह सकते हैं कि जरूरी था द डिस्टिंगशन बिटवीन वट ही सेज एंड हाउ ही इज सो वास्ट दैट इवन द ऑडियंस हु इज गिवन एक्सेस टू हिज प्राइवेट थॉट थ्रू सोलकीज़ एंड असाइट्स हेज ट्रबल अंडरस्टैंडिंग हिज मोटिवेशन्स और जो बॉसोला है उसके जो मोटिवेशंस हैं उनको जानना काफ़ी मुश्किल होता है ही इज़ अ स्पाई एंड इज़ दस कॉन्स्टेंटली डिस्काइजिंग हिज मोटिव्स एंड हिज़ ट्रू फीलिंग्स हो क्योंकि एक स्पाई है इसलिए वो डिस्काइजिंग और उस अपने मोटिवस को डिस्गाइ करके रखता है छुपा कर रखता है दी फर्टाइल वोमेन जो फर्टाइल वमेन का जो इसमें थीम है Evil in the Duchess of Malfi is a powerful and pervasive force that manages to destroy almost all that is good, but it is not all powerful. And here we that force is very force of evil. है. At the end of the play, the Duchess's oldest son survives to carry on her and Antonio's legacy. विच प्रोवाइड्स सिंबल ऑफ होप टाइज इन विज ग्रेटेस्ट फोर्स फॉर गड दर्टाइल एंड्रोडक्टिव फीमेल द पर्वजन ऑफ जस्टिस यहाँ पे हमें पर्वजन ऑफ जस्टिस देखने को मिलता है इन दसिस ऑफ मालफी जस्टिस फेल्स कंप्लीटली एज अ फोर्स फॉर गड इंस्टेड इट इज करप्टेड इन टू अ टूल ऑफ ऑर्डिनेट एंड दिन अगर हम देखें जो जस्टिस है वो बिल्कुल करप्ट हो जाता है क्योंकि वो फर्डिनेंड और कॉर्डिनल के हाथों में होता है अगर हम क्लास की बात करें द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास एंड रैंक इज क्वेश्चन आउट द द डचेस ऑफ कैरेक्टर्स हु प्ले मोस्ट वैल्यू ऑन इट आर हु डू द मोस्ट डैमेज टू द वर्ल्ड ऑफ द प्ले वाइल द डचेस फाइट फॉर द आइडिया दैट अ दैट्स वर्थ इज रिफ्लेक्टेड बाय हिज एक्शंस एंड कैरेक्टर नॉट बाय हिज टाइटल कॉस्ट ऑफ इविल अगर हम कॉस्ट ऑफ इविल की बात करें इविल इज इनक्रोवर्टिवली डिस्ट्रक्टिव इन दालफी टेकिंग अ लविंग फैमिली ऑफ फाइव एंड रिड्यूसिंग इट टू वन यंग मैन यंग सरवाइवर सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इविल है यहाँ पर वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह इसको दिखाया गया है पूरी फैमिली जो है फाइव फैमिली ऑफ फाइव जो होती है बिल्कुल एक यंग सर्वाइवर तक रह जाती है इट इज ऑल्सो हावर डीपली डिस्ट्रक्टिव टू हु दोपट्रेट इट एंड नॉट जस्ट विक्टिम्स नॉट ओनली डू द थ्री पिलर्स ऑफ इविल इन द प्ले जो थ्री पिलर्स ऑफ प्ले हैं इविल इन द प्ले हैं वो हैं कॉर्डिनल फोर्डिनेट एंड बोसोला ऑल डाई बाई द एंड ऑफ द फिफ्थ एक्ट बट दे ऑल्सो ईच पे अ स्पेशल पेनियंस

रेपूटेशन और लेगेसी के ही को ही वो फॉलो करते हुए अगर हम देखें कि दोनों ब्रदर अपनी जो सिस्टर है डचेस उसको मारते मार देते हैं उसके हस्बैंड को मारने की कोशिश को मारते हैं और जो आ, उसके बच्चे हैं उनको मार देते हैं सिर्फ एक ही फैमिली में रह जाता है तो ये जो एक तरह से कंपटीशन था हम कह सकते हैं रेपुटेशन के लिए उसको बचाने के लिए उसमें वो फेल होते हैं एंड ये एक तरह की ट्रेजिडी बन जाती है नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट लेसन